हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। डेली वोकैब सीरीज का पार्ट 23 कंप्लीट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको डेली वोकैबुलरी नाम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे, ठीक है। ये मेरे क्रीडेंशियल्स हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए पहले शब्द पे, कन्वीन। कन्वीन में हमारी रूट जो है वीन, वीन का मतलब होता है टू कम, ठीक है, टू कम। अब देखिए इस शब्द में कन का मतलब साथ साथ, वीन का मतलब कम, यानी कि साथ साथ आना, यानी कि इस चीज के ऊपर साथ साथ आके एग्री करना, ठीक है, टू एग्री ऑन समथिंग, ठीक है। और इसी का सिनोनियम है COVE NANT, कोवेनेंट। इसका मतलब भी एग्री होता है लेकिन फॉर्मल तरीके से, ठीक है, फॉर्मल एग्रीमेंट। दोनों एक तरीके से सिनोनियम है ये, फॉर्मल एग्रीमेंट। ये ज्यादातर बिजनेस वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और अगला शब्द इससे निकलता है इंटरवीन। इंटर, इंटर का मतलब बीच में, वीन का मतलब आना, ठीक है। तो किसी दो, मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, उनके बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है लेकिन उनका झगड़ा सुलझाने के लिए, तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, यानी कि बीच में आना झगड़ा सुलझाने के लिए, टू कम इन बिटवीन टू सेटल ए डिस्प्यूट, ठीक है, इंटरवीन। और कॉन्ट्रावीन, COINTRAVEN, कॉन्ट्र का मतलब खिलाफ, वीन का मतलब आना, किसी के खिलाफ आना यानी कि किसी के खिलाफ हो जाना, ठीक है, टू कम अगेंस्ट समवन, ठीक है, किसी के खिलाफ आना। और एक और शब्द निकलता है इससे, प्रोविनेंस। प्रोविनेंस, PROVENANC, प्रो का मतलब पहले, वीन का मतलब आना, यानी कि कोई चीज पहले कहां से आई है, यानी उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारी गंगा का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री है, जहां से वो निकलती है, ठीक है। तो प्रोविनेंस एक तरीके से ओरिजिन को बोलते हैं, किसी चीज का उत्थान कहां से हुआ है, ठीक है, उद्गम कहां से हुआ है। और अगले शब्द आता है हमारे पास एम्बीवेलेंट। एम्बी, यहाँ पे जो हमारी रूट है वो है वोल, ठीक है, वोल का मतलब होता है फीलिंग। और ये वोल आपको यहाँ पे इस वेल के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें पहचानना है इसको। और एमबी का मतलब होता है दो, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस में हमने पढ़ा था, एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, ठीक है। तो एक एमबी यानी कि दो, वेल यानी कि फीलिंग। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी फीलिंग दो तरफा हो, यानी कि वो कंफ्यूज हो कि उसको क्या तय करना है, ठीक है, कंफ्यूज फीलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज फीलिंग, ठीक है। और एक काफी कॉमन वर्ड निकलता है इससे, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस यानी कि एक परोपकार, काइंडनेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेने का मतलब अच्छा और बोल का मतलब फीलिंग, अच्छी फीलिंग किसी के लिए रखना यानी कि काइंडनेस रखना। और जो व्यक्ति बेनिवोलेंस रखता होगा उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, बेनिवोलेंट, ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा मेलवोलेंस, MALEVOLENCE। माले का मतलब बुरा, वेल का मतलब फीलिंग, तो यानी कि किसी के खिलाफ बुरी फीलिंग रखना, ठीक है, इल फीलिंग रखना। और मैलेवोलेंट अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी के लिए इल फीलिंग रखता हो, ठीक है। अगले शब्द पे आते हैं, टिमोरियस। देखिए यहाँ पे जो हमारी रूट है वो है टिम, इसका मतलब होता है फियर, डर। तो टिमोरियस एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो डर से भरा हुआ हो, काफी भयभीत हो, ठीक है, फुल ऑफ फियर। आप इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, तिमोर से, तिमोर एक शासक था, तैमूर कह सकते हैं आप, और काफी क्रूअल था, काफी निर्दयी था, तो उससे देख के जो लोग थे डरते थे, ठीक है। तो टिमोरियस, उससे आप थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हैं अगर आपको रूट याद नहीं आती है, कि टिमोरियस यानी कि फुल ऑफ फियर, ठीक है। और इससे अगला वर्ड निकाल सकते हैं इंटिमिडेट। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट यानी कि किसी को डराना, ठीक है, टू थ्रेटन समवन। और टिमिड, टिमिड एक ऐसा व्यक्ति जो काफी शाय हो, काफी डरा हुआ हो, ठीक है, फियरफुल। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, कई कई सेंस में इस टिमिड वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कायर हो उसको भी हम टिमिड भी कह सकते हैं, कावर्ड, ठीक है, शाय और फियरफुल, डर से भरा हुआ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हमारे पास एक वर्ड हो रहा है डिफिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट, डिफिडेंट। और अब चलते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे।
पहला है हमारे पास वन हु अपोजेस एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गैर परंपरावादी हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे पास शब्द है आइकोनो क्लोज्ड, ठीक है। ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई सैलरी ना पे की जाए, कोई आदमी फ्री में काम करे तो ऐसी पोस्ट को बोलते हैं ऑनोरेरी, एच ओ एन ओ आर ए आर वाई, ठीक है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, यानी अग्निकांड, ठीक है, आग से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाना, कहीं पे आग लग जाना, तो बोलते हैं होलोकॉस्ट, ठीक है। फेथफुल सपोर्टर, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से जो बिल्कुल अडिग रहने वाले सपोर्ट, जो आपको सपोर्ट करते हो हमेशा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम हेंचमैन। थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसको चापलूस के होम में ले लेते हैं, ठीक है। बिलीफ डेट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज प्लेजर, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ये समझता हो कि बस जिंदगी में मजे ही सब कुछ है, ठीक है, अगर जिंदगी को एंजॉय करो और बाकी कुछ नहीं रखा, इस टाइप की सोच रखने वाले आपके आसपास भी आदमी होंगे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शब्द बनाया गया हिंदी और इंग्लिश में, इसको जो है हेडोनिस्ट, ठीक है। हेडोनिस्ट तो एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा बिलीव करता हो, और इस चीज को क्या बोलेंगे हम, हेडोनिज्म, ठीक है। एनिमल डेट लिव्स इन फ्लॉक, एनिमल जो झुंड में रहना पसंद करते हो, झुंड में रहते हो, तो ग्रीगेरियस, जी आर ई जी ए आर आई ओ यू एस, और मैंने आपको रूट वर्ड में डिस्कस करके बताया था, ग्रैग रूट जो थी, ग्रैग का मतलब होता है क्राउड, ठीक है, भीड़। डन विदाउट पेमेंट, कोई चीज निःशुल्क हो जो, ठीक है, और कोई कार्य कोई किसी के लिए कोई निःशुल्क कर दे, ठीक है, विदाउट पेमेंट कर दे, तो ऐसे कार्य को, ऐसे एक्ट को क्या कहेंगे हम, तो बोलेंगे हम जी आर ए टी यू आई टी ओ यू एस, ग्रेटिट्यूस, ठीक है। ईट फास्टली एंड ग्रीडली, तेज तेज खाना और बिल्कुल मतलब इस तरीके से खाना कि आप बहुत ही लालची तरीके से खाना, ठीक है, जैसे पहले कभी खाना ना मिला हो, तो इसके लिए भी वर्ड बनाया गया है इंग्लिश में गोबल, ठीक है। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, यानी कि ग्लटन, जी एल यू डबल टी ओ एन। और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड, एक कला जिसमें अच्छा खाना बनाया जाता हो और अच्छे खाने की कदर की जाती हो, ऐसी आर्ट को क्या कहेंगे हम, गैस्ट्रोनोमी। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी खाने से रिलेटेड है उनके सभी के सभी जो वर्ड बन रहे हैं जी से बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई वर्ड याद ना आए, थोड़ा तुक्का वगैरह लगाना हो, तो देख लेना कि जी से बनेगा वर्ड हमेशा, जो भी वन वर्ड पूछा जाएगा ईटिंग से और या फूड से रिलेटेड, ठीक है। और अब आते हैं अपने idioms and phrases पे। पहला आता है sweat of one brow। अब देखिए हमारी आंख के ऊपर जो हमारी ब्रो होती है उसके ऊपर पसीना कब आता है, जब हम बिल्कुल कठिन कार्य करते हैं कोई, ठीक है, कोई हार्ड लेबर करते हैं, तो sweat of one brow यानी कि हार्ड लेबर, कठिन कार्य। swelled head, किसी का सूजा हुआ सर, मतलब ये नहीं है कि उसको चोट लगी है, इसका मतलब वो घमंडी है, ठीक है, अपना सर काफी ऊंचा रखता है घमंडी आदमी। ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, जो अपने लिए ग्रैंड ओपिनियन रखता हो, ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। स्वोन एनिमी यानी कि कट्टर दुश्मन, ठीक है, हिटिंग ईच अदर ए लोट, ठीक है। टेक बाय स्ट्रोम, किस चीज को टेक बाय स्ट्रोम, जैसे कि बोलते हैं कि फेसबुक टेक बाय स्ट्रोम दी सोशल नेटवर्किंग, यानी कि वे आए और उन्होंने सरप्राइजिंगली बिल्कुल ऐसा कार्य कर दिया कि जो किसी ने एक्सेप्ट ही ना किया हो, ठीक है, एक्सपेक्ट ही ना किया हो, टू सरप्राइज unexpectedly, ठीक है। टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के शब्दों पे उसकी बात मान लेना, यानी कि आप उसके ऊपर आंख मिच के विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, टू बिलीव समवन ब्लाइंडली, आदमी के शब्द ही होते हैं, अगर आप उनके शब्दों पे उसको विश्वास ले रहे हैं तो यानी कि आप उसके ऊपर बिल्कुल आंख मिच के विश्वास कर रहे हैं। टेक द बुल बाय द होर्न, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी विपत्ति का बिल्कुल सामने डट कर सामना कर रहे हैं, ठीक है, टू कन्फ्रंट डेंजर डायरेक्टली, ठीक है, बिल्कुल सामने आकर उसका सामना करके बिल्कुल निडर होके, टेक द बुल बाय द होर्न, आप उसको थोड़ा ऐसा सोच सकते हैं कि आपको कोई बुल मारने आ रहा है और आपने सीधे उसके सिंग पकड़ लिए, ठीक है, आप उससे डरे नहीं, ठीक है। टेक टू वंस हिल, अपनी एडियो पे भाग जाना, ठीक है, यानी कि टू रन अवे।
और ये हील वगैरह का जो यूज होता है ना इडियम्स में, इनका मतलब ज्यादातर भागने से या फिर रेस्ट करने से, या किकिंग वन हील होता है कहीं पे बैठे बैठे इंतजार करना। और जहां पे ज्यादातर हील का जो इडियम यूज होता है वो ज्यादातर भागने वगैरह से यूज होता है, ठीक है। टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है, यानी कि एक चर्चित बात, ठीक है, बहुत ही चर्चित बात, ए सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। द प्रिंटर्स डेविल, प्रिंटर डेविल होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। अगला आता है थ्रू थिक एंड थिन, चाहे कोई भी हालात हो, अच्छा मैं अच्छा वेदर हो बुरा वेदर हो, आप बिल्कुल डटे रहेंगे, किसी आदमी का साथ देते रहेंगे, यानी कि इन गुड एंड बैड टाइम। ये बोल देते हैं ना कि आई एम विद यू थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि आई एम विद यू इन एवरी गुड एंड बैड सिचुएशन, ठीक है, इन गुड एंड बैड सिचुएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे इडियम्स, वन वर्ड्स और हमारे रूट वर्ड्स। कल फिर मिलते हैं आपसे और इसी तरीके से बहुत ही इंटरेक्टिव वे में अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा इस तरीके से पढ़कर वोकैबुलरी को। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है onlineexamstutorials@gmail.com, ठीक है। ये बीच में कोई गैप वगैरह या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, और सभी के सभी स्मॉल लेटर में लिखे हैं, सभी के सभी लेटर जो है स्मॉल में है। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो। यस फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।